नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी अब रायबरेली के सांसद हैं। राहुल गांधी पहले अमेठी के सांसद रहे, फिर वायनाड के सांसद रहे, और अब राहुल गांधी रायबरेली के सांसद हैं। वही रायबरेली जहां राहुल गांधी को हराने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। एक जमाने में राहुल गांधी के ही करीबी रहे, कांग्रेस के सिपाही रहे दिनेश प्रताप सिंह, जो बीजेपी में चले गए, यूपी की सरकार में मंत्री हैं, वही रायबरेली में राहुल गांधी के सामने चुनाव लड़े। लेकिन वक्त बदला, हालात बदले, और आज का नजारा क्या है? आज का नजारा यह है कि राहुल गांधी लोकसभा में नेता विपक्ष हैं, राहुल गांधी सांसद हैं, और राहुल गांधी मंगलवार को जब रायबरेली पहुंचे तो सबसे पहले तो वो बजरंगबली के शरण में गए। वहां उन्होंने पूजा पाठ की, बजरंगबली का आशीर्वाद लिया, और इसके बाद कलेक्ट्रेट में, रायबरेली के कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक हुई। ये बैठक दिशा की थी, जिले के विकास से संबंधित मुद्दों पर यह बैठक होती है। इस बैठक की अध्यक्षता सांसद करते हैं। इस बैठक में राहुल गांधी ने इस बैठक की अध्यक्षता की क्योंकि वो रायबरेली के सांसद हैं। राहुल गांधी की दाईं ओर अमेठी के सांसद किशोरी लाल शर्मा बैठे हुए थे, और राहुल गांधी की बाईं ओर रायबरेली में राहुल गांधी से चुनाव हारने वाले और उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह बैठे थे। लेकिन दोस्तों, बात इसके आगे की है। राहुल गांधी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, लेकिन राहुल गांधी जब मीटिंग कर रहे थे, उन्होंने डीएम से तमाम मुद्दों पर बातचीत की, विकास को लेकर बातें हुई, कुछ विकास कार्यों की जांच कराने की भी बात हुई, लेकिन उसके बाद जब ये मीटिंग शुरू हुई थी, इसमें चर्चाएं चल रही थी, तो राहुल गांधी ने हर किसी का परिचय पूछा। और इस मीटिंग में कुछ वो नेता भी मौजूद थे जिनको एक वक्त राहुल गांधी ने मजबूत किया था। यहां विधायक अदिति सिंह भी मौजूद थी। राहुल गांधी की बाईं तरफ की रो में अदिति सिंह बैठी हुई थी, और जब सारे नेता खड़े होकर राहुल गांधी को अपना परिचय दे रहे थे तो अदिति सिंह ने भी अपना परिचय दिया और बताया कि वो अदिति सिंह है, रायबरेली सदर की विधायक हैं। इस मीटिंग में एक और बागी मौजूद था, हालांकि वो बागी राहुल गांधी के बड़े करीबी गठबंधन के साथी अखिलेश यादव की पार्टी में रहा कभी, मनोज पांडे, जिन्होंने रायबरेली लोकसभा चुनाव के वक्त बगावत की थी, अमित शाह के मंच पर चले गए थे, उससे पहले भी उन्होंने बगावत की थी राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करके, लेकिन लोकसभा चुनाव में वो खुलकर भाजपा के मंच पर चले गए। अमित शाह इतना परेशान थे राहुल गांधी की सीट को लेकर कि वो खुद मनोज पांडे के घर गए, और वो दिनेश प्रताप सिंह जो मनोज पांडे के सियासी शत्रु हैं, जिनके बीच बड़ी अदावत है, मनोज पांडे के घर दिनेश प्रताप सिंह को भी जाना पड़ा। किस लिए? कि किसी भी तरह से राहुल गांधी को रायबरेली में चुनाव हरा दिया जाए। लेकिन रायबरेली की जनता ने राहुल गांधी का साथ दिया, राहुल गांधी सांसद बने, और आज वो दिशा की मीटिंग में अध्यक्षता कर रहे थे, सवाल पूछ रहे थे, विकास कार्यों पर सवाल हो रहे थे, और जितने बगावती लोग थे, जितने बागी लोग थे, अब इसे आप संयोग कह सकते हैं कि उसमें जितने लोग बैठे थे सब बगावती थे। दिनेश प्रताप सिंह, अदिति सिंह, मनोज पांडे, ये सब बगावती नेता हैं, और राहुल गांधी के सामने इनको बैठना पड़ा, सवाल जवाब हुए, विकास के मुद्दों पर बातचीत हुई, और लंबे वक्त के बाद इन बागियों से राहुल गांधी का सामना हुआ। यानी वो लोग जो ये समझते थे, और शायद जिन्होंने ये सोचकर कांग्रेस का साथ छोड़ा था कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस शून्य हो गई है, वो खुद तो चुनाव हार गए, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 6 सीटें जीतने में कामयाब हो गई, और राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश को ही चुना, वायनाड से इस्तीफा दे दिया, रायबरेली से सांसद हैं। यानी 2027 के चुनाव में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में जीतोड़ मेहनत करते नजर आएंगे, और उनकी इस मेहनत का नतीजा भी 2027 में देखने को मिलेगा। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ इस मीटिंग में देखने को मिली, जो बागी चेहरे थे, जो बागी विधायक थे, जो बागी नेता थे, उनके चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों, और अपनी राय कमेंट बॉक्स में करिएगा। उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।